जिस सिस्टर कथु नंगल के हैं और जिस सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और जिस सिस्टर की गवाही जे है कि जो इनकी राइट साइड बाजू है 6 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, स्वेलिंग भी रहती थी और जो घर का काम करने में भी जो बहुत इनको प्रॉब्लम थी और जिस सिस्टर की बताते हैं कि जो 1 साल से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े पर जे जो 6 महीने की दर्द थी जे ना जाने का कारण ये था कि जे संगति में तो आ रहे थे पर जे बताते कि जे उस मन से नहीं थे आते जैसे परमेश्वर को पसंद था, जे संगति में आते थे और वैसा विश्वास नहीं थे। ये पॉइंट, ये नोट करो पॉइंट। मैंने कहा ये आपकी आशीष के लिए आपके छुटकारे का पॉइंट है क्योंकि आज परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देने वाला है। पर मिलता क्यों नहीं है? मैंने कहा शुरू से ही आज परमेश्वर सिक्सर लगा रहे हैं। फर्स्ट गवाही आपके छुटकारे के लिए थी। वाह 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 वाह, सच में परमेश्वर आप महान हो। मैंने कहा फर्स्ट गवाही से फिर परमेश्वर सिक्सर लगा रहे हैं, हाँ, और आपको पॉइंट दे रहे हैं। क्यों इतने समय से प्रभु में आ रहे हैं? आपको 1 साल हो चुका था। 1 साल से, और पूरी तरह से, हाँ कोई बात नहीं, सामने रहो, पूरी तरह से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा था? ये संगति में आते थे, आ तो रहे थे, पर ये खुद कहते मैं पूर्ण मन से नहीं आती थी। हाँ, कैसे नहीं आती थी? पूर्ण मन से नहीं, जैसे लगा टाइम आगे, हाँ चलो जी आज फ्री हैं चलते हैं, ऐसे आओगे तो भाई कोई उम्मीद मत रखो, तैयारी से आओगे, विश्वास से आओगे कि मैंने आज परमेश्वर से अपनी आशीष, अपना छुटकारा लेना है। तो मैं कहता हूं कि जब आप घर से ऐसा मन बनाकर चले तभी परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है। हाँ, समझ आ रही है? जैसे इन्होंने अपना मन सही किया, क्या किया परमेश्वर ने आप बताओ आगे। और जैसे जे बता जे संगति में आते थे और वे विश्वास भी नहीं थे दे रहे, तो जे सिस्टर जे बताते हैं कि जिस गांव में जे रहते थे वहां पर भी जे ऐसे लोगों को नहीं थे बताते कि जे प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ग्रहण किया इन्होंने। ओ देखो, ये भी आपके लिए पॉइंट है। जिस एरिया में ये रहते हैं वहां पे यीशु मसीह के नाम को लोगों को बताने से ये शर्माते थे कि कहीं किसी को पता ना चले कि हम किस पर विश्वास करते हैं। भाई कैसे छुएगा वो, कैसे छुएगा? आप तो उसके नाम पर या लॉक लगाकर बैठे हो, हाँ, तो कैसे दरवाजे खुलेंगे? ये आपके लिए पॉइंट है, हाँ, कि अपने एरिया में लोगों को पता ना चले कि आप जीसस पर विश्वास करते हैं। हाँ, आगे बताओ। और जैसे जैसे संगति में आ तो रहे थे फिर जैसे प्रभु के दास के मुख से उत्साहित होते थे और हीलिंग प्रेयर होती थी और जिस सिस्टर ने अपने मन को लगाया और अपने मन को फिराया कि परमेश्वर मैं जानती हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आई थी और इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, अगर मैं उससे आजाद हो सकती हूँ, उस समय जो मेरा मन था आप मुझे फिर से वही मान दे चुके हो। और जैसे जैसे सिस्टर ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो जे बताते कि पहले जे अक्षरा कराने के लिए जा रहे थे और प्रार्थना करने के बाद जे सिस्टर ने मन बनाया कि वही पैसे जो बीज में डाल दूंगी और उसी दिन ही परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और आज इनकी जो बाजू है परमेश्वर ने बिल्कुल उस दर से इनको टोटली, कौन सी बाजू, लेफ्ट के राइट? राइट, ये वाली जे ऊपर तक भी नहीं थी जाती। अब करके दिखाओ लोगों को, ऊपर दिखाओ, क्या बात है, हलाकर दिखाओ ऐसे। ये बाजू ऊपर नहीं जाती थी, अब जा रही है, दिखाओ पूरा करो। और जी सिस्टर आज बहुत खुश हैं और ये सबको बता भी रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में जा रही हूँ और आज इस संगति में आए तो आज ये बता रहे हैं कि मैं ऐसे तैयार होकर आई जैसे किसी मैरिज में जाना, फंक्शन में जाना। वाओ, वाओ, वाओ। क्या बात है, ऐसा मन परमेश्वर को खुश करता है। कैसा मन? ऐसा मन इतनी खुशी से जैसे मैं आज किसी मैरिज फंक्शन में जा रहा हूं। वाओ, वाओ, वाओ। आपको खुदा दुगनी ग्रेस से भरे और आपके घर को बढ़ाए और आशीष करे। आमेन, हालेलुया, तारीफ करो, ऊंचा ऊंचा तारीफ करो, ऊंचा। आमेन। नेक्स्ट